मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए दरोगा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इलाज के पूरे पैसे जमा करने के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन उन्हें शव नहीं दे रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को गलत बताया है। दरअसल संभल जिले के रहने वाले दरोगा निक्की मियां हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। दो दिन पूर्व उन्हें मेरठ के नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि वो 3 लाख रुपए इलाज के खर्च के अस्पताल में जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनसे 75,000 रुपयों की मांग अस्पताल वाले कर ही रहे हैं और न देने पर उन्हें शव भी नहीं दिया जा रहा है। मृतक के भाई ने कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, चाहे अस्पताल उनकी किडनी निकाल सकते हैं। इस दौरान अस्पताल में हंगामा हुआ। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है और उन्हें पूर्व में ही इलाज के खर्च और मरीज के हालात के बारे में अवगत कराया गया था। शव न देने की बात को भी प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, ये पुलिसकर्मी थे और ये सल्फास खा के आए थे, और जब वहाँ पास आए तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था और इनकी सांस भी ठीक से चल रही थी, और ये अस्पताल है बगल में पारस में एडमिट थे। यहाँ पास आए तो हमने बताया था इनके परिवार वालों को, सबको, कि इनके बचने की संभावना बहुत है ही नहीं, और कुछ ना के बराबर है, क्योंकि जो जिस तरह का मरीज़ है, इसका बीपी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, बीपी बहुत कम है, गुर्दे दोनों काम नहीं कर रहे हैं, लिवर काम नहीं कर रहा है, फेफड़ों में पानी है, सांस फूल रहा था उनका, तो बेसिकली उनका लिवर, किडनी, ब्रेन कुछ भी ठीक से काम नहीं करता, ब्लड प्रेशर भी नहीं था उनका। तो शुरू से ही उनको पता के चला गया कि गुर्दे उनके काम नहीं कर रहे हैं, दिल उनका काम नहीं कर रहा है, फेफड़ा उनका काम नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है। सब बताते हुए हमने उनका ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद अब उनका ये कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं हैं, जबकि वो पहले ही कह रहे थे कि मेदांता जाने तक की बात थी, उनकी मेदांता में जाकर इलाज कराएंगे, तो हमने मना नहीं किया उनसे। तब तरह तरह के आरोप लगा के और पैसे ना देने की बात हो रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। कंसेशन हम का सिग्निफिकेंट अमाउंट में कर चुके हैं, हमारा बिजली का जो हॉस्पिटल का बिल, दवाइयों का बिल देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम लोग काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, और पेशेंट ठीक होने लायक था ही नहीं, उनको बताया गया था कि नहीं ठीक हो सकते हैं।